नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में। बहुत सारी बातें देखी हैं आपने, लगातार न्यूज़ चैनल्स में दिखाई गई डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के बारे में। अभी जैसे कि पूरे देश को पता है कि पूरे देश में किस तरह के हालात चल रहे हैं, COVID-19 की जो समस्या हमारे पूरे देश में चल रही है, हमारा पूरा देश एकजुट होकर घर पे बैठा हुआ है, सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने घर से काम कर रहे हैं, जहाँ अपने घर पर ही रुके हुए हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं लगातार इस लोगों को सेहतमंद रखने के लिए, COVID-19 से बचाने के लिए। लेकिन एक आज हम दोस्तों आपसे बात साझा करना चाहेंगे कि लगातार जो लोग, जिस तरह से हमारे डॉक्टर लग रहे हैं, जिस तरह से हमारे पुलिस प्रशासन लग रहा है लोगों को सेफ रखने के लिए, उसी तरह से एक संस्था जो डेरा सच्चा सौदा, जिसके लोग लगातार लग रहे हैं, लगातार वो लोग प्रशासन के साथ लगे हुए हैं दूसरों की मदद करने के लिए। आज आपके साथ जो हम साझा कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि आखिर क्यों हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, किस तरह से जो शासत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है डेरा सच्चा सौदा की, वो सैनिटाइज करने लगी हुई है सिटीज को। पंजाब की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के लोग हैं, वो लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोग प्रशासन का साथ दे रहे हैं। सबसे अहम बात, ये किसी से पैसा नहीं लेते हैं, ये बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के काम करते हैं। और ये जो फौज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने बनाई है, दर्द की बात ये है कि किसी भी चैनल ने इनके बारे में नहीं दिखाया। आखिर क्यों, सोचिएगा जरूर दोस्तों, आखिर क्यों इस तरह से किया जा रहा है। जो लोग बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के, बिना किसी निस्वार्थ भावना से वो बिल्कुल दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद के लिए जो लोग चल रहे हैं, उनके बारे में क्यों भी हेडलाइंस नहीं बनाई जा रही, क्यों नहीं दिखाया जा रहा। हम देख रहे हैं लगातार न्यूज़ चैनलों को, एक अगर बैंक मैनेजर भी बाहर आकर किसी को खाना दे रहा है, उसकी भी न्यूज़ को बड़ी हेडलाइंस बनाकर दिखाया जाता है। अगर कुछ दो लोग किसी को राशन दे रहे हैं तो भी हेडलाइंस बनाकर दिखाया जाता है। कहाँ ये लोग पूरे देश में लगे हुए हैं, हमारे प्रशासन के साथ, हमारे पुलिस अधिकारियों के साथ, जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है ये साथ दे रहे हैं, इनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा। सोचिएगा जरूर, आखिर क्यों इस तरह से किया जा रहा है, आखिर क्यों जो ये लोग सच के रास्ते पर चल रहे हैं, इनके बारे में नहीं दिखाया जा रहा। सोच के जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।